रात हमारी कैसी कटी है, शाम हमारी कैसी कटी है, ये मैं जानता हूँ। लोग खुद सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा वीडियो नहीं डालना 1 लाख सब्सक्राइबर्स की। तो मेरे साथ हुआ तो मैं वो नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ भी हो। तो मैं हिल के रही है क्योंकि मेरे पास इरफान ने बोला जाके अपना चैनल देखो। और जब मैं अपने चैनल पे गया तो दोस्तों मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी क्योंकि मेरा चैनल हैक हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एन अदर न्यू व्लॉग। तो यार थंबनेल और टाइटल को देख के तुम लोग समझ गए होगे इजीली कि आज की वीडियो किस बेस पर है। तो यार मेरा चैनल जो के कल तक हैक था, आज अल्हम्दुलिल्लाह सेट है, बट कल तक हैक था। और क्या हुआ मेरे साथ, रात हमारी कैसी कटी है, शाम हमारी कैसी कटी है, ये मैं जानता हूँ। 2 दिन से ना मैं परेशान हुआ था बहुत, और क्या क्या मेरे साथ हुआ ये आज की वीडियो में मैं तुम लोगों को क्लियरली तौर पे पूरा फिक्स बताऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे हैक हुआ, और तुम लोग भी जैसे किसी का भी हैक होता है तो उन चीजों से कैसे बच सकते हो। तो जो मेरे साथ हुआ तो मैं वो नहीं चाहता कि वो किसी और के साथ भी हो। तो वीडियो के साथ बंधे रहना और मेरी इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना क्योंकि एक एक पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्किप मत करना। तो यार सीन कुछ यूं हुआ दोस्तों कि तुम लोगों को याद होगा कि अब से 2 दिन पहले या फिर 1.5 दिन पहले, शायद 1.5 दिन हो गए इस बात को, कि आपके भाई के अल्हम्दुलिल्लाह इस वाले चैनल पे 1 लाख सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर गए। तो बहुत खुशी की बात थी यार, और मैंने सेलिब्रेशन करने का भी सोचा था। आप लोग खुद सोच रहे होंगे कि यार ये बंदा वीडियो नहीं डालना 1 लाख सब्सक्राइबर्स की, कौन नहीं डालता दोस्तों, हर कोई डालता है। तकरीबन सारे यूट्यूबर्स अपने 1 लाख को लाजमी सेलिब्रेट करते हैं और अच्छी बात है, करना चाहिए, इतनी मेहनत करते हैं हम तो क्यों ना करें। तो सीन कुछ यूं हुआ दोस्तों, उसके बाद जिस दिन रात में मेरे हुए थे 1 लाख, उसी रात को मेरे पास ईमेल आया। ईमेल ये आया था कि एक कोई प्रोडक्ट थी उसकी स्पॉन्सरशिप का ईमेल, उसकी स्पॉन्सरशिप ईमेल थी। अब वो किस तरफ से थी ये भी मेरे को इतना मालूम नहीं, बट वो स्पॉन्सरशिप थी। शुरू में मुझे ये हुआ कि यार एकदम मेरे पास ईमेल आना, ये क्या मकसद है, तो मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर मेरे पास उसी रात में दूसरी दफा वो ईमेल आया, फिर मैंने उसको नोटिस करा, मिल रहा है नीचे लिखा हुआ कि आप लिंक ओपन करें, इसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। फिर मेरा थोड़ा दिमाग उस चीज पे खटका कि मैंने लगा यार ये गलत कुछ हो रहा है। मैं समझ गया था तकरीबन चौथी तीसरी मरतबा, फिर मेरे पास कल सुबह में ईमेल आया वापसी से। फिर जब मैंने ईमेल ओपन करा तो वो ईमेल का लिंक जो था ना वो गलती से टैब हो गया मेरे से। अब वो जो मेरे से क्लिक जब हुआ तो मेरे समझ नहीं आया, वो खुल गया अपने आप और वो लगा लें कि वो चैनल मेरा हैक कर लिया उस बंदे ने उधर से, क्योंकि ईमेल आते हैं ऐसे तो ईमेल हैक ईमेल के जरिए ही किया जाता है चैनल। तो ये चीज मैं समझ गया उधर ही, और मैं ये चीज इसलिए वादे कर रहा हूँ ताकि और जिन जिन के चैनल पे यार वो बच सके इन चीजों से, जो ईमेल सही ना हो उन पे ना करें। आप इंस्टाग्राम पे जिस बंदे के स्पॉन्सरशिप करनी हो ना उनसे इंस्टा पे ज्यादातर कॉन्टेक्ट करा करें और ऑथेंटिकेट करा करें कॉन्टेक्ट। अब मेरी तो गलती हो गई मेरे से, मैं आप लोगों को यही बता रहा हूँ कि मुझे पता था कि वो ईमेल सही नहीं है, क्योंकि बार बार ईमेल का आना बहुत गलत है। बार बार ईमेल ऐसे आना कि स्पॉन्सरशिप स्पॉन्सरशिप किस बात की भाई, तुम पूरी बात तो करो। तो उस चीज पे मैं समझ गया, और मेरी एक छोटी सी गलती कि वो कैसे क्लिक हुआ मेरे से, बस उस चीज ने ना मेरा चैनल हैक करवा दिया। अब वो कौन था बंदा क्या था, लेकिन बड़ी होशियारी से हैक भी हुआ, और उसको कल रात ही रात में हमने सुबह में हैक उसने कर लिया था। और अगर वो इस तरीके से हैक नहीं करता तो 10 और तरीके उसके पास होंगे, वो किसी और तरीके से भी हैक कर सकता था मेरे पास। और नंबर 2 पे मैं एक और बात तुम लोगों को बताता चलूं कि मेरे पास मेरे नंबर पर मेरे समझ नहीं आया मैसेज आया हुआ था कि आप इस लिंक को ओपन करें और आपके साथ ये मतलब, यानी कि पता नहीं किस चीज का आया हुआ था, कोई ऐप है वो आपको ये दे रहा है स्पॉन्सरशिप, कोई ऐप नहीं आई है स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं तो आप उसको आगे बढ़ाएंगे। वो यार मेरा दिमाग आगे पीछे हो गया था बिल्कुल, वो भी मेरे पास आया हुआ नंबर पे, हाँ मेरा नंबर कैसे पहुंचा, मैं इस चीज पे बहुत परेशान था। तो प्लीज आपके चैनल जो है सेफ नहीं होते, थोड़ा ख्याल करके चलाया करें, नंबर पे आए मैसेज या फिर ईमेल पे आए, ये दोनों चीजें बहुत अहम हैं। पहले आप उनसे कांटेक्ट करके सही से पूरी बात करा करें। लिंक ऐसे ओपन नहीं कीजिएगा किसी भी चीज का, कोई भी लिंक आए आपके पास। खैर से दोस्तों ये सीन हुआ। यार अब बात ये आती है कि मुझे कंफर्मेशन कैसे हुई कि मेरा चैनल वाकई में हो चुका है हैक। फुल कंफर्मेशन मुझे ऐसे मिली
कि जब मेरा ईमेल वहां जो भी मैंने लिंक खोला था वो ईमेल जो भी हुआ, तो उसके बाद ना शाम तक मैं, मेरे को थोड़ा बहुत दिल ये हो रहा था कि यार उस वक्त चैनल मेरे पास था, फिर मैंने नोटिस नहीं करा था, मैंने बोला यार चलो शायद नहीं हो पाया है, थोड़ा बहुत मेरे दिल में ये हो रहा था। मैंने बोला यार मैंने लिंक खोल तो लिया पर लिंक में ऐसा क्या था और उसके अंदर कुछ भी नहीं है, वो डिसअपीयर हो गया लिंक, बस वो लिंक आ गया उसके बाद वो डिसअपीयर हो गया, जो भी कोई चीज थी वो लिंक ओपन नहीं हुआ सही से, वो बस वो एक चीज आई और डिसअपीयर हो गई, वो मेरा उसके पास ईमेल पहुंच गया था। अब उसने क्या करना था ये पूरे का पूरा आप लोगों को पता है कि कैसे लोग करते हैं भाई, ये इसका बारे में मैं पूरी कंफर्मेशन से तो नहीं जानता कि क्या चीज होती है और पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है चीज थी मुझे। और फिर नहीं हुआ दोस्तों कि रात के टाइम मेरे पास कॉल आई इरफान की, और देन उसी के थोड़ी देर बाद फुरकान की भी आई, और फिर उनकी जब कॉल आई तो मैं हिल के रह गया, क्योंकि मेरे पास इरफान ने बोला जाके अपना चैनल देखो उसके ऊपर तुमने क्या कम्युनिटी में पोस्ट करा है। और जब मैं अपने चैनल पे गया तो दोस्तों मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी थी, क्योंकि मेरा चैनल हैक हो चुका था। वजह ये थी कि चैनल मेरे पास ओपन रहा ही नहीं था, और जब मैं उधर गया अपने दूसरे चैनल के जरिए तो कम्युनिटी पोस्ट में एक पोस्ट करी गई थी, यहाँ आप लोग देख रहे होंगे ये अस्सलाम वालेकुम, और पूरा जो पोस्ट लिखा हुआ है सलाम के साथ कि मैंने अब जो है वीडियोस कुछ अपनी परेशानियों की वजह से छोड़ रहा हूँ ये चैनल, जो भी उस बंदे ने लिखा। यकीन मानो यार मेरी एक साल की मेहनत, 1,00,000 सब्सक्राइबर्स मुझे जाते हुए दिख रहे थे कि मेरे से बहुत कहीं दूर जा रहे, और 1 साल की मेहनत मेरी पानी पानी होने वाली थी। बट फिर मेरे को अंदाज़ा हुआ कि नहीं यार इतनी आसानी से तो मैं भी नहीं जाने दूंगा, और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। तो बस मैंने उसी वक्त भाई पहले तो अल्लाह पाक से दुआ करी कि अल्लाह पाक मैंने बड़ी मेहनत करी है इस चैनल पे इसको चलाने के लिए, दूसरी बकराईद आ गई है, उस बकराईद से मैंने चैनल स्टार्ट करा था 2023 में, और अब 2024 आ गया है, 1 साल पूरा होने को आया दोस्तों हमारे चैनल को, और 1,00,000 हमने माशाल्लाह सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। तो बस फिर मैं रुका नहीं और मैंने फिर कॉन्टेक्ट करा, फिर मेरे घर वालों ने मुझे बोला कि यार तुम्हारा चैनल को क्या हुआ, तुमने क्या पोस्ट लगाया, क्या कम्युनिटी गाइडलाइन पे डाल दिया, भाइयों ने बहुत सुना है। मैंने बोला मैंने नहीं डाला, फिर मेरे भाई ने एक अपने जानने वाले के पास लेके गए, उनको मैं हाईलाइट नहीं कर सकता भाई, तो उस बंदे ने मेरे चैनल को देखा और उसका इसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और वो इसका एक तरीके से मैं बोलूँ तो बादशाह है, तो उस बंदे का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यार, बहुत ज़्यादा, अगर वो मेरी वीडियो देखेगा भाई बहुत शुक्रगुजार हूँ उसका मैं, क्योंकि उसने रात ही रात में मेरा चैनल वापस मुझे लाके ऐसे दिया, जल्द से जल्द उसने मेरे को वापसी चैनल लाके दिया मेरा। मैं बहुत खुश था, लेकिन उसने मुझे बताया कि जिसने भी तुम्हारे साथ कराना है सिर्फ शरारत करिए छोटी सी, और सिर्फ तुम्हारे साथ खेला एक छोटा सा, एक तरीके समझ लो प्रैंक। मैंने लगा यार उसका तो प्रैंक हो जाता, मेरी तो परेशानी हो जाती, तो बस उस चीज़ के लिए कल रात जो मेरी गुजरी मैं बहुत परेशान था। और ये ईमेल ना मेरे पास मुझे जितना लगता है 2-3 दिन पहले भी आई थी, जिसको मैंने नज़रअंदाज कर दिया था, तो ये मैं बात बताना भूल रहा था। तो इस चीज़ का आप लोग दिल रखें यार, ख्याल करें कोई भी ईमेल आए ऐसे विदाउट कंफर्मेशन उसको ओपन नहीं कीजिएगा कोई भी लिंक। तो यार बस ये थी वीडियो दोस्तों कि चैनल कैसे हैक हुआ, और एक तुम लोगों को मैं दिल की बात बताऊं तो यार सच बताऊं ना, ये मैं अपने शौक के लिए करता हूं सब, और तुम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। दूसरा चैनल भी मैंने इसी वजह से खोला था, वो सिद्दीकी ब्रदर्स वाला, ताकि मैं आप लोगों को वहाँ भी इंटरटेन कर सकूं और अपने बारे में बता सकूं और घुमा फिरा सकूं और चीज़ें दिखा सकूं, एक्सप्लोर करें हम लोग। तो बस मेरा शौक है ये यूट्यूब, और बड़ा दिल से शौक है, सीधी बात यार ये मैं क्लियर कर दूँ आज इस वाले चैनल पे कि मेरा शौक है। अगर ये चैनल अल्लाह ना करे चले जाता तो मैं दूसरा चैनल खोलता, मैं हिम्मत नहीं तोड़ता। और पहले भी आप लोगों को याद है 3 महीने के लिए हमारा चैनल सस्पेंड कर दिया गया था, जो स्ट्राइक लगी हुई थी, और अपना वो भी किसी ने पता नहीं क्या करा था। तो इस वजह से ना मेरा ये चैनल माशाल्लाह से 1,00,000 सब्सक्राइबर्स तो गेन हो गए, बट ग्रो नहीं कर पा रहा था व्यूज के हवाले से, वो यही वजह थी कि मैंने 3 महीने वर्किंग छोड़ दी थी, और वो वर्किंग छोड़ने की वजह ये थी कि मेरी जो थी मोनेटाइजेशन ऑफ कर दी गई थी यूट्यूब की तरफ से, वो भी किसने मेरे साथ करा था, लोग पता नहीं क्यों किसी को आगे बढ़ते भी नहीं देख सकते यार, बड़ा दुख होता है मुझे इस बात पर। खैर जिसने भी हैक करा था तो उससे भी मैं यही बोलूँगा कि अगर वो मेरी वीडियो देखे कि यार देखो मेरा ना तुमसे कोई वो है और ना कोई लड़ाई झगड़ा है, चलो तुमने करा कोई बात नहीं, मैं माफ़ करता हूँ भाई, मेरी तरफ से मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ करता हूँ, और अल्लाह पाक की गवाही में भी मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ कि अल्लाह पाक तुम्हारे को माफ़ी दे दे, कोई मसला नहीं यार, हो जाती है इंसान से गलती, अगर तुम्हारे दिल में कुछ आया हो तो तुम अल्लाह से माफ़ी मांगना, बेशक वो माफ़ करने वाला है बड़ा है। तो मेरी तरफ से भाई
तुम्हें माफ़ी है, कोई ऐसी बात नहीं है, ना कोई लड़ाई। अगर मैं इसे मिलोगे भी कभी फेस टू फेस तो भले बता देना, मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ लड़ाई झगड़े वाला, मेरी तरफ से बिल्कुल माफ़ी है। बाकी यार दोस्तों, इस चैनल पर मैं एक और चीज़ बता दूँ कि मुझे अभी तक अर्निंग नहीं है, तो ये जो कुछ कर रहा हूँ ना मैं, ये मैं अपनी जेब से करता हूँ, भाइयों से ले लेता हूँ थोड़ा बहुत, तो ये सब हमारा अपना है। जिस दिन अर्निंग होगी वो भी इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूँगा। और एक चीज़ मैंने आप लोगों से पूछनी थी, जो कमेंट में मुझे लाजमी बताना तुम लोग, यार लाजमी इसका मुझे जवाब चाहिए, क्या मैं घर में स्टॉक ये वाला चैनल और सिद्दीकी ब्रदर्स इन दोनों को कंबाइन कर दूँ और इस चैनल का नाम घर में शॉक वाले का बदल के रख दूँ हसन सिद्दीकी या सिद्दीकी ब्लॉग्स, या फिर कहो तो सिद्दीकी ब्रदर्स अलग और घर में शॉक अलग, ये दोनों अलग अलग ही रख। तो प्लीज़ इस चीज़ का मुझे बताओ, मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे लाजमी बताएं ताकि मैं एक चैनल रखूँ या फिर ये दोनों ही कंटिन्यू रखूँ, ये मैंने आप लोगों पे छोड़ा, मुझे कमेंट में लाजमी बता दें। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, पसंद आई हो या नहीं आई हो ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये चैनल बेटी सीधी सीधी, तो मैं अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा चैनल बच गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह आपके भाई के हाथ में है। तो आप लोग भी सेफ रहिए और ख्याल रखें अपने चैनल्स का, जो जो भाई चला रहे हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, कल मिलते हैं इंशाल्लाह अपने रूटीन के साथ। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।